हाँ, तो हमारे साथ एक और यहाँ के स्टूडेंट जुड़ रखे, तो उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? करुणा कुमारी। कैसे हो? फाइन। बढ़िया। अभी हम लोग शिक्षालय में है। हाँ, आई नो। हाँ, तो शिक्षालय के बारे में कुछ बताओ। हाँ, शिक्षालय के बारे में कि मैं इससे पहले कि हमारे भैया यहाँ आए थे टेस्ट देने के लिए, तो उनका परसेंटेज अच्छा आया था। पहले से उनका इतना अच्छा तैयारी नहीं था, लेकिन टेस्ट देने के बाद उनका अच्छा परसेंटेज आया, इसीलिए वो मुझे बोले कि तुम वहाँ जाओ और तुम्हारा वहाँ अच्छा परसेंटेज होगा, तो इसी के लिए मैं यहाँ आई पढ़ने के लिए। और इससे पहले कि मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक था और SST अच्छा है मेरा। हाँ, SST अच्छा है। हाँ, अभी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग का किसी का साइंस बढ़िया है तो किसी का मैथ बढ़िया, और ये बोली SST बढ़िया है। हाँ, कुछ अलग होने वाला है। SST बढ़िया है? SST मेरा बढ़िया था नहीं, बल्कि मैं वैसे बनाई हूँ SST क्लास में। मतलब कि मुझे ऐसा दिखाया जाता था कि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ। मुझे मतलब कि क्लास में फ्रेंड लोग के सामने अपने आप में बहुत ज़्यादा वीकनेस मतलब फील होता था। इसी के लिए मैं सोची कि डॉक्टर इंजीनियर तो हर कोई बनते हैं, बट मैं कुछ अलग सा करना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट आज मुझे वीक कह रहे हैं ना, मैं उन्हें दिखा सकूँ कि हाँ, मैं उन सबसे अलग की। इसी के लिए मैं सबसे अलग करना चाहती हूँ। इसी के लिए मैंने अपना SST को स्ट्रॉन्ग किया। हाँ, और SST को स्ट्रॉन्ग किया, मीन मोटो क्या है तुम्हारा, ये बताओ। हम SST को सुन के हमें थोड़ा अंदर में लगा कि यार अभी के बच्चे में SST वाला फील आ रहा है, तो क्या मोटो क्या है ये बताओ। BPSC की तैयारी करना चाहती हूँ। BPSC? हाँ, UPSC, BPSC या फिर सिर्फ BPSC? नहीं, सिर्फ BPSC। अच्छा, सिर्फ BPSC। हाँ, BPSC का प्लानिंग हो रखा है इसका। हाँ, समझ रहे हो कि धमाका करने वाली है। और इस SST मेरा अच्छा भी था, और यहाँ के मुझे बहुत आज तक ऐसे कोई भी टीचर नहीं मिले थे SST में। हम लोग को कभी SST का कोई डेट नहीं याद होता था कि कौन सा जो था मूवमेंट कब से कब तक हुआ। लेकिन मैं उस नचिकेत सर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, जिनके वजह से आज मैं क्लास 10th का हर एक एक डे, और मुझे जितने भी है सब मुझे नचिकेत सर के वजह से बहुत अच्छा मैं SST में और आगे कर रही हूँ। बड़े अच्छे सर कौन से? नचिकेत सर का नाम ले रहे हो? हाँ, वो मतलब कि यहाँ हमें SST पढ़ाने आते हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं हमारे SST के लिए। उनके वजह से मेरा SST क्लास 10th में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। यहाँ के डायरेक्टर कौन है सर? सिद्धार्थ गौतम सर। वो सर कैसे? उनके वजह से मेरा मैथ आज बहुत अच्छा है। तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा? हाँ। उनके वजह से तुम्हारा मैथ? हाँ, बहुत पहले अच्छा। मेरा मैथ बहुत वीक था। हाँ, अब अच्छा है? हाँ, अच्छा है। पहले मैं मतलब कि मुझे सोचना पड़ता था कि मैथ में मुझे पास मैं कैसे करूँगी, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं मैथ में अच्छा कर सकती हूँ, अच्छे परसेंटेज में ला सकती हूँ। पढ़ाई के अलावा तुम्हें और भी क्या चीज़ अच्छा लगता है? ड्राइंग करना पसंद है। गाना गाना अच्छा नहीं लगता है? मतलब कि अच्छा तो है, मतलब उतना अच्छा नहीं है, बेस्ट नहीं है। अच्छा, चलो। और यहाँ पे सर लोग का बिहेवियर भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, पढ़ाई लिखाई? गौतम सर का बिहेवियर हम लोग के साथ एकदम फ्रेंडली रहता है। हम लोग मतलब कि और इतने सारे टीचर देखे इन 13 साल में, बट हर जगह हम लोग बोलते हैं कि सिद्धार्थ सर जैसे टीचर हम लोग ने आज तक कभी नहीं देखे। हम लोग को पढ़ाते भी इतने स्ट्रिक्ट है और हम लोग के साथ फ्रेंडली रहते हैं। अभी हम क्या बोली थी, करुणा, अरुणा या करुणा? करुणा। अभी हम करुणा से बात कर रहे थे, और बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसने जो बताया कि ये SST यहाँ पे इसका स्ट्रांग हो रखा है, और ये बहुत आगे का ये सोच रखी है अभी से 10th में, और BPSC का पूरा प्लानिंग करके चल रही है। वो इसके लिए बहुत बढ़िया होने जा रहा है, क्योंकि और इसका मैथ बहुत ज़्यादा वीक था। और सिद्धार्थ सर से हम अब जानेंगे कि सिद्धार्थ सर ऐसा क्या मतलब इनके अंदर में है जो हर वीक मैथ वाले को मतलब स्ट्रांग बनाए जा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। और स्टूडेंट को कुछ बोलना चाहोगे तो बोल दो। हाँ, मैं और सारे स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगी कि वो लोग भी यहाँ आए और पढ़े। हाँ, ठीक है, तो आप लोग भी आके डेमो क्लास ज्वाइन करो, और अच्छा लगेगा तो पढ़ना और फिर बताना कि कैसा भी है। आएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू।